बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों देख रहे हैं, बोल रहे होंगे कि नया बंदा आ गया यहाँ। हम लोग काम करते हैं यूट्यूबर जम्मू कश्मीर। नमस्कार सर, गांव का प्रधान। अच्छा, मैं सर कल आया था। अच्छा, जी 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 जी। तब नदी जो है, नदी के उस साइड बांग्लादेश और इस साइड इंडिया, मथुरा मिजोरम। जी जी जी। अच्छा, मतलब यहाँ पर वो बॉर्डर वाला वो नहीं है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो भाई जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि मुझे राजू अंकल जो है, राजू अंकल है ना आज जी, तो राजू अंकल मीन्स चाचू को बोलते हैं, तो चाचू को बोलते हैं हम, तो ये हमें घुमाने ले रहे हैं। और इनके साथ दूसरे वाले अंकल हैं। और एक्चुअली आज क्या है कि आज लगने वाली है जहाँ पर मार्केट। और किस गांव में मैं हूँ, ये गांव है सिलसुरी और मिजोरम। हाँ, मिजोरम का सिलसुरी। और जहाँ पर जो चकमा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ मामित डिस्ट्रिक्ट, और जो चकमा ट्राइब है वो जहाँ पर रहती है ना। और ये है बिल्कुल बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बिल्कुल उसके ऊपर की एक्साइटमेंट कितनी है हमको पूरा। ये मतलब हम रोज तो नहीं जाते हैं, दिन में सप्ताह में एक बार जाते हैं हम, सप्ताह में एक बार जाते हैं हम। कैसे हो ब्रदर, कैसे हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या ब्लॉगिंग कर रहा है क्या? यस सर, यस सर। यहाँ पर मार्केट घूमने आया हूँ आज। और बढ़िया ना? बढ़िया। अच्छा, ये आपने लगाई है दुकान? ये अच्छा, इन्होंने। आप यहाँ से ही हो ना, आगे से होंगे? इधर से जहाँ पे वो, अच्छा फुटबॉल का ग्राउंड है जहाँ वॉलीबॉल भी खेलते हैं। अच्छा ठीक ठीक, मैं मिल गई हमें मार्केट। ये चैनल, यूट्यूब चैनल है आपका? जी जी जी। क्या नाम से है? नोमैड चरणजीत। अच्छा जी जी। जी जी। आप लोग करेंगे तो आर्मी देखेंगे हम लोग। अच्छा, मैंने सोचा बोल रहे हो कि आर्मी वाला मना करेगा। ओके सर, थैंक यू। चलो घूम लेते हैं थोड़ा। जी जी जी। आप ले लेंगे फोटो? हाँ फोटो मैं ले लूँगा, आप अपना सामान ले लो तब तक। नहीं नहीं देंगे, ऐसे सब देंगे। अच्छा जी जी। तो अंकल जी हमें जो है वो यहाँ की मार्केट जो है वो दिखाएंगे। यहाँ पर चिकन विकन सब कुछ जो है वो मिलेगा। ये क्या है? ये क्या बोलते हैं? अच्छा सब्जी में मिक्स कर। अच्छा अच्छा, जहाँ पर जो है वो चिकन विकन, ठीक है। आप मुझे बताते रहना ना क्या क्या है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये हो गया लहसुन वगैरह, ये वही हो गया। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? मच्छी से बनाते हैं, मेथी। अच्छा मेथी, अच्छा मच्छी से बनाते हो? अच्छा, ये करते क्या, खाते हैं? सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। ठीक ठीक। वो जो दावता है, दावता, हाँ हाँ, वो दावता का मालिक है ये। अच्छा ठीक 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 ठीक। शुक्रिया। क्लोम है, क्लोम है। ये है मछली। यहाँ पर मतलब अलग अलग चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये कौन सी मछली हुई, ये कौन सी मछली है? ये मछली है, मछली मछली। हाँ जी, कौन सी मछली? एक पवा 80 रुपया। अच्छा ये 100 रुपया है। अच्छा
म्यांमार से नहीं तो त्रिपुरा होके आते हैं ये। अच्छा ये वहाँ से आता है म्यांमार या त्रिपुरा से? ये लंबी लंबी होती है? लंबी होती है। अच्छा बड़ा साइज ये है, मतलब हमके जैसे ऊपर है। अच्छा बड़ा साइज ये है, वो इतना इतना है। ये पत्ता किसका है? ये पान का पत्ता है। अच्छा ये पान वाला, लेकिन ये छोटा वाला है। लोकल के? अच्छा लोकल। वो सुपारी ना? हाँ सुपारी, वो सुपारी लोकल 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 होगा। लोकल ठीक ठीक ठीक। वहाँ का नहीं दे बिल्ली बुरी होना। क्या बोले? पैसा तो नहीं आता, दारू का पैसा। अच्छा अच्छा ये भी कोई बोल रहा था कि ये वाले जो हैं ये बांग्लादेश से आते हैं दाऊ? हाँ हाँ आते हैं। अच्छा ये नज़दीक है ना ये? हाँ 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 ठीक ठीक, एकदम पोदार में है। जी जी जी, उस ट्रॉप में मतलब बांग्लादेश है। हाँ हाँ, इस ट्रॉप में इंडियन। यहाँ पर फिर मतलब बांग्लादेश से भी आए होंगे? हाँ, सामान बेचने बेचने आते हैं। ये वाला बांग्लादेश? बांग्लादेश। अच्छा उस ट्रॉप में मतलब बांग्लादेश है। ये साजेक नदी है। अच्छा ये साजेक रिवर, साजेक ना। अच्छा इसको क्रॉस करोगे तो बांग्लादेश? ये वाला बांग्लादेश? ये वाला बांग्लादेश। अच्छा चलो हम नीचे से होके आते हैं। ठीक है आप आगे जा रहे हो? पहले ना तो सारे हम आपको बाद में दिखाएंगे भाई, जहाँ पे बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं हम, और दिखाएंगे कि बॉर्डर गया तो कौन सा वाला बॉर्डर। मिल गए दोस्त, मिल गए फ्रेंड। वहाँ पे देखेंगे जी। अच्छा वहाँ से दिखेगा बांग्लादेश, अंकल जी बोल रहे हैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई। अच्छा बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों देख रहे हैं, बोल रहे होंगे कि नया बंदा आ गया यहाँ। यूट्यूबर जम्मू कश्मीर। नमस्कार सर, गांव का प्रधान। अच्छा मैं सर कल आया था। अच्छा अच्छा जी 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 जी। कैसे? बढ़िया सर। अच्छा आप मतलब गांव के प्रधान हो? प्रधान जी 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 जी। अच्छा। जैसे हमारे जो गांव का प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच। सरपंच जी। अच्छा यहाँ पे भी सरपंच ही बोलते हैं? सरपंच नहीं, बीसीपी बोलते हैं। अच्छा बीसीपी, विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट। अच्छा विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जी ठीक है। जी जी बिल्कुल जी जी। बांग्लादेश। अच्छा ये मतलब नदी जो है तो नदी के उस साइड बांग्लादेश, बांग्लादेश और इस साइड इंडिया, इंडिया मथुरा मिजोरम। जी 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 जी। अच्छा मतलब यहाँ पर वो बॉर्डर वाला वो नहीं है, फेंसिंग की हुई? फेंसिंग तारबंदी वाला मतलब है उस साइड से, गांव पे नहीं है। अच्छा गांव में नीचे पे मतलब है 4 किलोमीटर लगभग वहाँ तक है जीरो पॉइंट से। अच्छा तो वहाँ से और मारपाट मतलब गया हुआ है। अच्छा फेंसिंग का ठीक, तो वहाँ से 8 किलोमीटर से पूरा फेंसिंग लगा हुआ है। फेंसिंग लगा हुआ है अठारह तक लगा हुआ है। अच्छा 18 किलोमीटर तक। तो ये है भाई बांग्लादेश बॉर्डर, देख लो मैं बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ, और किसकी वजह से खड़ा हूँ? अंकल जी की वजह से। अगर आप नहीं मिलते मुझे तो मैं यहाँ पे थोड़ी आ सकता। ये पैसा मिलेंगे बल्कि मतलब नहीं उठ रहा है यहाँ से जी, जो पेंसिंग का पैसा, पेंसिंग का पैसा जब नहीं मिलेंगे उस टाइम में हम मतलब
यहाँ पे रहेंगे ऐसे बल्कि गांव के लोग देखिए हम लोग का हालत ऐसा है क्या करें। सही बात। ऐसे जो आप बोल रहे थे राजीव नगर के लिए तो इसमें से ही आते हैं जो स्पीड बोट है वही से जैसे अच्छा अच्छा वो आगे इंजन उड़ा बहुत मतलब इंजन उड़ा बहुत से दो ढाई घंटा से मतलब तीन घंटा हो सकता ऐसे बस जाता है। अच्छा तो इसका मतलब आज जो जहाँ पर आए हैं बांग्लादेश से भी आए होंगे लोग है ना। हाँ हाँ ये जैसे ये मुझे लगता है ये वाली एक ही ट्रेवल है। अच्छा चकमा है। चकमा ही है। हाँ कोई दूसरा जाति नहीं है। जी जी जी। यहाँ पे हाँ जैसे ये हो गया मतलब फूल गोभी हो गया बंद गोभी हो गया वो बाहर से फिर यहाँ पे थोड़ा महंगा होगा। महंगा है। इनको पूछते हैं रेट क्या है इसका। कौन सा ये फूल गोभी करने वाले फूल गोभी फूल गोभी कितने का है। 20 रुपए के। 20 रुपए फिर तो ज्यादा नहीं है। 20 20 रुपए के ज्यादा नहीं है। ये म्यांमार से आते हैं। अच्छा ये म्यांमार। अच्छा मतलब यहाँ म्यांमार का मतलब आते हैं बंदा मतलब यहाँ पर सामान जो है म्यांमार से भी आता है बांग्लादेश आता है इंडिया से सारा। अरे यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है वो कल सामान लेके आ रही थी। सामान लेके आ रही ठीक ठीक बाहर से। जी जी ये लोकल है ये छोटा वाला गाड़ी। हाँ ये बड़े ट्रक जो हैं ये कल देखे थे हमने उन्होंने BSF वालों ने इधर रोके थे। हाँ बाहर से आते हैं। हाँ इस साइड आगे भी है ये है मतलब मार्केट। अच्छा यहाँ तो आगे भी मतलब पूरा गांव है। अच्छा फैला हुआ है ऐसे करके। अच्छा मतलब लगभग 2 किलोमीटर होगा गांव। अच्छा ठीक ठीक मतलब यहाँ पर जो है वो मतलब चकमा ट्राइब ही रहती है और कोई नहीं रहती है। ये मतलब गांव हटने वाला है क्यों नहीं हट रहा है अभी तक मतलब कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। अभी जो रिहेबिलिटेशन है घर बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है इसलिए उसका जैसे मतलब यहाँ रुका हुआ है रिहेबिलिटेशन मिला नहीं। मान लीजिए गरीब आदमी है 5,000 किसी को दे दिया कॉम्पेंसेशन किसी को दिया 15,000 किसी को 10 लाख ये थोड़ा आगे जाएंगे तो मतलब वाले सेंचुरी इसलिए मतलब नहीं देता है तो आगे बढ़ने से 2 किलोमीटर होगा मेरा ख्याल में आगे बढ़ने से दम्पा वाले सेंचुरी है। अच्छा टाइगर प्रोजेक्ट। अच्छा फिर वहाँ मतलब हम लोग का जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है वो काटने का भी मौका नहीं देता है। फिर अभी ये फिलहाल जितना घर देख रहे हैं आप उन लोग घर कैसे बनाएगा फिर बाहर जाने ये गाँव से गाँव सेफ होना पड़ेगा ना जो हम लोग है अभी वहाँ जाना पड़ेगा सारे गाँव जाएंगे कैसे देखिए। तो सही बात बांग्लादेश से भी मतलब खाद नहीं सकते शांति वाले लोग नहीं देता है यहाँ से सामान वाला नहीं देता है यहाँ से आप सामान भी नहीं ले सकते उधर जैसे वाला पकड़ते हैं इसलिए तो बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग अभी इसलिए घर में क्या कर रहे हैं अभी कोर्ट में मतलब थोड़ा बहुत वो सुन रहे हैं मामला सुन रहे हैं। अच्छा अभी वो क्या होगा फसला उनको जान 15-20 दिन का बहुत पता चलेगा। अच्छा अभी तरह ये रोड इस साल में बनना था बनने के लिए अभी स्टेक नंबर उधर मिला है रोड अभी नहीं बनेगा जो क्या बोलता है जस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो राय होगा फैसला होगा उसके बाद हो सकते हैं अभी इसलिए रुका हुआ है। अच्छा पहले डायरेक्ट बोदर का है ये डायरेक्ट बोदर पे है मतलब गांव दर्शकों से ये हटना है मतलब यहाँ से तो हटना ही पड़ेगा ये भारत सरकार ने हटा देगा तो उनका मतलब कुछ घर उतरने के लिए पैसा चाहिए ना ये बाई तरफ तारबंदी हो जाएगा ना जी ये पूरा तारबंदी लग जाएगा इसमें गाड़ी ये रोड ये पूरा आ जाएगा रोड। अच्छा ये तो फौजी भाइयों का है। अच्छा फिर आपको यहाँ से दिक्कत होगी उस साइड इसलिए
क्यों घर उठाने का पैसा नहीं देगा तो इन लोग नहीं हाथ रहा है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। गलती तो गवर्नमेंट का भी है क्योंकि कितना 13 साल का बात अभी बोल रहा है गाँव हटा दो, गाँव हटा दो। पहले जब कॉम्पनसेशन दिया है उस टाइम में हटाना चाहिए ना, रोड बनाना चाहिए ना। 13 साल का बाद बोल रहा है रोड बनाएंगे हम लोग, फिर अभी हटेगा कहीं इतना घर बनाओ। गवर्नमेंट ने बोलता है मतलब पैसा तो दे रहा है हम मिजोरम सरकार को, तो मिजोरम सरकार कहाँ दे रहा है हम लोग, कहाँ मदद दे रहा है? मिजोरम सरकार ने पूरा लूट रहा है हम लोग, एक पैसा नहीं दे रहा है, मदद नहीं दे रहा। हम माइनॉरिटी है, उन लोग मेजोरिटी है, उनका एस्टेट है, हम लोग तो सिर्फ मिजोरम का भारतवासी है, वही है। अब जितना मिजोरम घूम रहा है देखिए ना, मिजोर गांव में जाने से कितना मतलब अच्छा घर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है। जैसे चकमा बस्ती में जाओ दी थोड़ा बम्बो का है, बिल्डिंग वगैरह तो नहीं, गोरी है हम लोग। हम लोग का चकमा लोग जैसे कहा आपने उतरने का था, हमें तो जान निकल जाते अपने आप, रोड नहीं है ना। सही बात, मिजोरम सरकार रोड भी नहीं बनाता है, पूरा पैसा खा जाता है, इसलिए तो हम लोग एमएनएफ को नहीं चाहते जाने के लिए। रोड की तो बुरी हालत है, जब मैं आया था ना मतलब मेरा बैग जो मतलब मेरे कपड़े थे बिल्कुल मतलब उसकी वजह से मिट्टी ही मिट्टी, मतलब बंदे को पहचान नहीं सकता। हाँ, पहचान नहीं सकता है। इतनी मिट्टी थी। रोड ऐसे तो मिजोरम सरकार क्या कर रहा है पता नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत गाड़ी चला है, सरकार ने दे रहा है, मोदी सरकार ने तो दे रहा है। एक दो बार बरसात हुआ तो नहीं होगा, गाड़ी जा नहीं सकेगा, बहुत दिक्कत है। हाँ, बरसात अगर जैसे रोड है ना, रोड में मिट्टी है जो मतलब अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऐसे चलने से मतलब यहाँ यहाँ तक वो मिट्टी आती है, उतना तो कहते हैं। और जब अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं ऊपर देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं कि बादल हैं और ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी। आजकल में अगर बारिश हो गई, मैं यहाँ पर फंस गया, तो फिर उसके बाद गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी क्योंकि चल नहीं पाएंगी क्योंकि रोड ही वैसा है, तो दिक्कत बहुत है। बाकी जहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस सर्विस भी नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो? बीमार हो जाता तो मतलब कोई बरसात में बहुत बहुत से मतलब मरपरा तक, मरपरा से मतलब आइजल तक लेके जाता है। अच्छा, लेकिन मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत मुश्किल है। जिसका किस्मत है बहुत मिलता है, अगर जिसका किस्मत खराब है तो दिक्कत इधर में है। अभी तो शुरू हो गया, एक दो महीना का बाद तो गाड़ी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर पानी भी नहीं है सर, बिना पानी का तो बहुत नहीं चलता है, बिना रोड का तो गाड़ी नहीं चलता है। फिर उस टाइम में हम लोग कैसे जी रहे हैं हमको पता है। सरकार तो बोल रहा है, भारत सरकार हम जनता को मतलब मदद दे रहा है और इंडिया आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? डिजिटल इंडिया, इंडिया डिजिटल इंडिया बोलता है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में तो है हम लोग के बारे में। हाँ, लेकिन मतलब डिजिटल के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि लाइट, यहाँ पर लाइट ही नहीं है, नहीं है, फिर उसके आगे डिजिटल कैसे कैसे बनेगा? तो हम लोग माइनॉरिटी है बोल के मतलब कुछ ये नहीं हो रहा है। बाकी आप जो पीछे जैसे गाड़ियाँ देख रहे हो, तो ये गाड़ियाँ भाई एक्चुअली ये बाहर से आई हैं और ये मतलब कुछ कंपनी जहाँ पर कुछ काम चल रहा होगा, प्रसाद एंड कंपनी, हाँ ये उनकी गाड़ियाँ हैं और कुछ सामान एक्चुअली यहाँ पर जो है वो वीकली मार्केट लगती है, तो ये बाहर से जो है वो कोई त्रिपुरा या फिर बाहर सिलचर जहाँ हो गया, फिर उस साइड से जो है ये गाड़ियाँ आई हैं, त्रिपुरा का है, हाँ वहाँ से गाड़ियाँ आई हैं, मतलब सिर्फ सामान बेचने के लिए आए हैं। बाकी जहाँ के लोग जो हैं उनके पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, और गाड़ी कहाँ यार, अच्छे से जो है वो घर नहीं है तो गाड़ी कहाँ होगी, तो ये गाड़ियाँ जो है ये बाहर से आई हैं यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए सामान बेचने के लिए, वो भी अपने मतलब के लिए आए हैं, बेनिफिट के लिए, और जो जहाँ के लोग हैं तो उनके लिए जो है वो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि भाई इनके लिए जो है वो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, या फिर जो लोकल या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनको जो है वो इनके बारे में सोचना चाहिए। बाकी आपको जो मेरा जहाँ से प्रयास हमारा कैसा लगा तो ये आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हो, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भाई लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।